गाइज वेलकम बैक टू माई चैनल स्टिचिंग डायरी। और आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ ये सिंपल सी नाइटिंग की कटिंग और स्टिचिंग, जिसके लिए मैंने 3 मीटर फैब्रिक यूज़ किया हुआ है और हमें 55 इंचेस की नाइटी बनानी है। तो हमें सबसे पहले कपड़े को इस तरह से फोर फोर करके रख लेना है और फिर हमें इसकी मार्किंग स्टार्ट करनी है। तो हमें सबसे पहले अपने टॉप पार्ट की कटिंग के लिए करनी है, तो इसके लिए हमें अपने कपड़े को इस तरह से फोर फोल्ड करना है। आप देख सकते हैं मैंने कपड़े को इस तरह से फोर फोल्ड किया हुआ है। अब हमें अपने टॉप पार्ट की कटिंग के लिए हमें सबसे पहले 10.5 इंचेस पे मार्क करना है। तो इस तरह से हमें मार्किंग कर लेनी है और फिर मार्किंग करके हमें स्केल की हेल्प से स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेनी है। और फिर हम इसे कट कर लेंगे। तो आप देख सकते हैं हमने इसे कट कर लिया है। अब हमें अपनी शोल्डर, आर्म होल और नेक की मार्किंग करनी है। तो इसके लिए हमें सबसे पहले अपनी शोल्डर की मार्किंग करनी है, जिसके लिए हमें 7 इंचेस पे मार्क करना है। जो बंद साइड है उधर साइड से हमें 7 इंचेस पे मार्क कर लेना है। अब हमें आर्म होल की गुलाई के लिए 6.5 इंचेस पे मार्क करना है। अब इस लाइन को हम स्केल की हेल्प से मिला लेंगे। सो इस तरह से हमें एक और लाइन ड्रॉ कर लेनी है। अब हमें इसे अपना कप शेप दे देना है हल्का सा। आप देख सकते हैं इस तरह से हमें इसमें कप शेप दे देना है। अब हमें जो अपनी ब्रश पार्ट है वहाँ की मार्किंग करनी है, जिसके लिए हमें 10 इंचेस पे मार्क करना है। ये 10 इंचेस हमारी फिटिंग की सिलाई होगी, हम इसके लिए और मार्जिन छोड़ेंगे जो एंड में छोड़ेंगे। अब हमें अपनी नेक की मार्किंग करनी है, जिसके लिए मैं 3 इंचेस पे मार्क कर लेती हूँ और जो बैक नेक होगा वो भी मैं 3 इंचेस की डेप्थ दूंगी इसमें। इस तरह से मार्किंग करने के बाद हमें इस तरह से स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेना है। अब इसे हमें वापस से कप शेप देना है इस तरह से। अब जो हमारी फ्रंट नेक की कटिंग करने के लिए हमें 6.5 इंचेस पे इस तरह से मार्क करना है। अब इस तरह से मैं हाथ से ही इसे स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करके फिर इसमें कप शेप दे दूंगी। अब हमें सबसे पहले अपनी जो ब्रश पैड की हमने फिटिंग दी थी उस तरह से हमें इस तरह से हल्का सा तिरछी शेप में देना है इस तरह से। अब हमें 1 इंचेस का हम इसमें मार्क एक्स्ट्रा फैब्रिक छोड़ेंगे। सो इस तरह से मैं मार्किंग कर लेती हूँ। और मार्क कर लेने के बाद सबसे पहले हमें बैक वाला हिस्सा कट करना है। सो देखिए मैंने बैक हिस्सा को कट कर लिया है। अब इसे हमें निकाल लेना है एक पार्ट को और जो अपनी फ्रंट नेक की मार्किंग की थी उससे फिर हम कट कर लेंगे। सो देखिए हमने फ्रंट हिस्सा को भी कट कर लिया है और बैक हिस्सा को भी कट कर लिया है। अब देखिए हमें क्या करना है, जो हमने नाइटी का जो नीचे वाला हिस्सा है उसमें से हमने एक्स्ट्रा फैब्रिक जो था उसे निकाल लिया है। और इसे निकालने के बाद जो हमारा इस तरह से फैब्रिक जो बचा हुआ है इससे हम अपनी स्लीव की कटिंग करेंगे। तो इसके लिए हमें इसे पहले फोर फोल्ड कर लेना है और आपको अपने स्लीव्स की जितनी लंबाई देनी है इस पर मार्क कर ले। तो मैं अपने स्लीव्स की लंबाई 4.5 इंचेस रखने वाली हूँ। तो इसके लिए आप 4.5 इंचेस पर इस तरह से मार्किंग कर लें। सो इस तरह से मार्किंग करने के बाद जो अपनी स्लीव की जो फिटिंग देनी है हमें उस पर मार्क करना है। तो मैं 11 इंचेस पे मार्क करूंगी। इस तरह से मार्किंग कर लेने के बाद हमें अपनी स्लीव की शेप दे देनी है इस तरह से और 1 इंच का एक्स्ट्रा मार्जिन देना है इस तरह से। अब हम इसे कट कर लेंगे। सो देखिए मैंने इसे भी कट कर लिया है और फिर इसे इस तरह से खोलना है और एक साइड से अंदर की साइड पे कट करना है और जो हमें ये कट किया है इसे हमें फ्रंट हिस्सा में रखना है। तो चलिए अपनी जो बैक और फ्रंट हिस्सा हमने कट किया था इस तरह से आप देख सकते हैं मैंने सेंटर पे मार्क लगाए हुए हैं टॉप पार्ट पे। अब जो हमारा जो नीचे वाला नाइटी का हिस्सा रहेगा उस पर भी हमें अपने सेंटर पर मार्क लगा लेंगे। अब हमारा जो फ्रंट वाला हिस्सा है उस साइड से हमें ऊपर की साइड टॉप में हमें 2.5 इंच पे दोनों साइड्स पे मार्किंग कर लेनी है। अब हमें आप देख सकते हैं इस तरह से फ्रंट वाला हिस्सा को हमने इस तरह से बैठा लिया है। अब हमें जो सेंटर पे मार्क किया था और 2.5 इंच पे जो गैपिंग छोड़ा है हमने इस साइड से हमें इस तरह से हमें इसमें चून बैठाना है। तो चलिए मैं इसको सिल के दिखाती हूँ। जो हमारा फ्रंट वाला हिस्सा है हमें सबसे पहले नीचे का हिस्सा को इस तरह से जो
मार्किंग किया था वहाँ पे, और ऊपर का जो हमें सेंटर वाला हिस्सा इस तरह से बैठा लेना है, और हमें इसे हल्का सा सिलाई कर लेनी है ताकि हमारा जो कपड़ा है वो इधर उधर ना हिले। अब सबसे पहले हम अपने एक हिस्सा पे चूनर पे बैठाएंगे, जो 2.5 इंच पे मार्क किया था उसके बाद से हमें चून बैठा लेनी है। इस तरह से हमें छोटी छोटी चूनटें बैठानी हैं। और अच्छे से चून बैठा लेने के बाद हमें एक हिस्सा में पूरे में सिलाई कर लेनी है, और जैसे ही हमने एक हिस्सा पे चूनटें बैठाई थी उसी तरह से हमें दूसरी साइड पे भी चूनटें बैठानी है। अब इसी तरह से हम अपने दूसरी साइड पे भी चूनटें बैठा लेंगे। इस तरह से सिलने में बहुत ही आसानी होती है, तो आप ट्राई कर सकते हैं। सो देखिए, मैंने अपने फ्रंट वाले हिस्से में जो नीचे वाला हिस्सा था वो बैठा लिया है। अब हमें अपनी जो सिलाई है उसी पे एक और सिलाई चला लेनी है। इसी तरह अपना जो हम फ्रंट वाले हिस्से में टॉप और बैक जो नीचे वाला पार्ट है उसे अटैच कर लिया है। अब हमें बैक साइड में इसी तरह से जो नीचे वाला हिस्सा है उसे हमें अटैच करेंगे। सेंटर पे हमें इस तरह से मार्किंग कर लेनी है, और जो टॉप का सेंटर है दोनों सेंटर को हमें मिला करके पिन के हेल्प से सिक्योर कर लेना है, और इसकी जो चुन्नटें पड़ेंगी वो बीच में ही पड़ेंगी। तो इस तरह हमें एंड से स्टार्ट करना है, और बीच में आने से पहले हमें जो कपड़ा एक्स्ट्रा बच रहा है उस तरह से हमें चूनटें बैठा लेनी है। अब जो हमारा पिन है उसे भी हम हटा करके चूनटें बैठा लेंगे। और फिर पूरे में सिलाई लगा लेंगे। अब हम इसे सीधी करके और फिर ऊपर से भी एक और सिलाई चला लेंगे। सिलाई लगा लेने के बाद हमारा जो फ्रंट साइड है उसे इसमें अटैच करके हमारा जो एक शोल्डर है उसे हमें सिल लेना है। इस तरह से अच्छे से बैठा के हमें एक साइड का शोल्डर को सिल लेंगे। अब हमें इसमें पाइपिंग लगानी है। तो हमें पाइपिंग के लिए हमने पहले से ही एक पाइपिंग तैयार किया हुआ है, अब हमें इसमें अटैच करना है। तो सबसे पहले हमारे जो नेक का एक हिस्सा है उसे इसमें सीधी साइड पे हमें इस तरह से हमें पूरे में पाइपिंग लगानी है। देखिए, मैंने पूरे में इस तरह से पाइपिंग लगा लिया है। अब जो एक्स्ट्रा पाइपिंग है मैंने उसे कट कर लेना है। कट कर लेने के बाद अब हम इसे अंदर की साइड मोड़ते हुए पाइपिंग के जस्ट बगल में हमें सिलाई और एक लगानी है। सो इस तरह से मैंने देखिए लगा लिया है इसमें सिलाई। अब हमें दूसरी साइड पे मीन्स उल्टी साइड से जो हमारी पाइपिंग का
लास्ट वाला हिस्सा है वहाँ पे बैठा के पूरे में सिलाई लगानी है ताकि हमारे जो पाइपिंग है वो अच्छे से बैठ जाए। सो देखिए मैंने इस पर भी सिलाई लगा लिया है। अब हमारा जो खुली हुई शोल्डर है उसे भी हमें फिक्स कर लेना है। सो अच्छे से बैठा करके हमें इसे भी सिलाई लगा लेनी है। तो एक बार जो अच्छे से सिलाई लग जाए इसके बाद हमें अपनी जो स्लीव्स की कटिंग की थी उससे हमें सिलना है। सो देखिए कितना अच्छे से हमारी पाइपिंग लग चुकी है। अब हम अपनी स्लीव वाला हिस्सा सिलेंगे। तो स्लीव्स की इस तरह से हमें लेकर के जो बैक साइड और फ्रंट को देखते हुए हमें इस तरह से मोड़ के सिलाई लगा लेनी है दोनों स्लीव्स पे। सो इस तरह से मैं दूसरी भी स्लीव्स पे सिलाई लगा लूँगी। अब हमें स्लीव को लेना है और अपने जो नाइटी में अटैच करनी है। तो इस तरह से हमें नाइटी को बिछाना है और एंड से हमें इस पे सिलाई लगानी है। सो इस तरह से हमें बैठाते हुए पूरे स्लीव्स को अटैच कर लेना है। अब हम इसी तरह से अपनी दूसरी वाली स्लीव्स को भी अटैच कर लेंगे। सो देखिए मैंने दूसरी वाली स्लीव्स को भी अटैच कर लिया है। अब हम इसे अच्छे से बैठा करके अपने स्लीव के एक बार और मार्किंग कर लेंगे 7 इंचेस पे। इस तरह से मार्किंग करके हमें पूरे जो नाइटी का हिस्सा है उसमें सिलाई लगानी है। जो आप देख सकते हैं इस तरह से हमें सिलाई लगाते हुए हमें एकदम एंड तक सिलाई लगानी है। तो इसी तरह से हम अपने दूसरी साइड पे भी सिलाई लगाएंगे। अब दोनों साइड पे मैंने सिलाई लगा के इसे सीधा कर लिया है और नीचे की साइड पे इस तरह से हमें पूरे में मोड़ करके सिलाई लगा लेनी है। इस तरह से मैंने पूरे नीचे वाले हिस्से में भी सिलाई लगा लिया है। तो आप देख सकते हैं हमारा जो नाइटी है वो बन के रेडी हो चुका है। तो होप ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगेगी। वीडियो अच्छी लगेगी तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, कमेंट में बताइएगा ये वीडियो कैसी लगी। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि आने वाली हर अपडेट आप तक मिलती रहे। और मैं आप लोगों के लिए इसी तरह अच्छी अच्छी वीडियो लाती रहूँगी। थैंक यू।